मैकेनिकल मिरर, क्या समझते हो इससे बताओ? नाम जो कह रहा है वो क्या है एक्चुअल में? कर्व्ड है, सिंपल। अगर आम भाषा में बोला जाए तो स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व मिरर, दैट्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब मिरर कैसे बनाता है कोई मुझे बताएगा? आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको बताया भी था मिरर कैसे बनता है। कोटिंग की जाती है जिससे वो लाइट को ट्रांसमिट ना करे पार जाने के लिए, यही होता है। एक ग्लास है, आप उसे कोटिंग करते हो तो वो लाइट जो पास हो रही थी उसमें से अब वो पास नहीं होती, और जिस तरफ कोटिंग करी वो तो कोटेड सरफेस कहलाएगा, और जिस तरफ कोटेड नहीं हुआ वो कौन सा? रिफ्लेक्टिव सरफेस। यही हमने पढ़ा था आई थिंक। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? स्फेरिकल ग्लास लेना पड़ेगा, प्लेन ग्लास से नहीं हो सकता। तो स्फेरिकल ग्लास बोले तो आप लोगों ने वो देखा है, अगर ताजमहल गए हो कभी गए हो तो मूवीज में तो कई बार देखा होगा कैसा गुंबद सा होता है जिसमें रेत वो गिर रही होती है, बर्फ गिर रही होती है, एक जोड़ा ऐसा डांस कर रहा होता है वाला सीन देखा? आप उस जोड़े को हटा दो अपने पिक्चर से, और वो एक ग्लास ले लो गोल वाला, ठीक है, वो नहीं लेना नाचते हुए, ठीक है, गोले को ले लो। तो वो जो ग्लास है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेड ग्लास, ठीक है, ओपेक, अंदर से होलो होना चाहिए, खाली। समझ में आया नहीं है? अब अगर ग्लास आपके पास ऐसा है, अब तुम कहोगे ये तो ग्लास थोड़ी सर्कल है भाई। जब अगर उस स्फीयर का हम 3D से 2D फिगर बनाएंगे तो वो ऐसी बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, समझ रहे हो? तो अब किसको कैसे समझना है, ध्यान से समझना है। किस किस ने आम खाया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। तो जब आम को काट के खाएं, वो वाला नहीं दशहरी वाला, काटने वाला, ठीक है, जब आप उसे काटते हो तो एक ऐसी कटोरी ऐसा बन जाता है। अब उसे जो तमीज से खाता है, ऐसे नहीं तमीज से जिसने खाया हो, तो अगर उसमें से स्पून से आप सारा निकाल लो मामला, तो एक ऐसी मेम्ब्रेन सी बच जाती है, देखिए सब ने मतलब अंदर खाली, और एक ऐसा जैसे खाली कटोरी काइंड ऑफ बच गया। तो हम खाली कटोरी जैसी की बात कर रहे हैं। तो ग्लास ऐसा है कि उसके आर पार देख सकते हो आप, बट अभी वो कैसा है, ऐसा कर्व शेप का है। समझ में आ रही है बात मेरी? अब ये कट कहां से आया? सर्कल, स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर, क्योंकि मैंने अभी वार्न करा था सर्कल मत बोलना, इट्स अ स्फीयर। फिगर में जब मैं बनाऊंगा तो वो सर्कल जैसा ही दिखेगा, बट बिकॉज इट इज अ 3D फिगर तो वो क्या होगा? स्फीयर। तो ये स्फीयर का पार्ट रहा होगा, गलत तो नहीं कह रहा? इसका मुझे यूज है, इसलिए मैंने बताया कि ये जो पोर्शन काट के निकाला है कहां से निकालेंगे? स्फीयर से, क्योंकि एक कर्व शेप है, कर्व जब भी शेप होगी तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी सरफेस अगर स्फेरिकल है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सरफेस, अगर वो सीधा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, और अगर वो कर्व हल्का सा भी कर्व हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसे ज्वाइंट कर दूं तो शायद बड़ा सर्कल फॉर्म होगा। अगर कोई भी चीज सीधी ना होगी, हल्की सी कर्व्ड है, ऐसी कर्व्ड है, तो इसका मतलब वो कहीं एक बड़ा सर्कल फॉर्म कर ही रही होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? चाहे वो छोटा ना करे, एक बड़ा सर्कल फॉर्म करे, कोई भी कर्वीलिनियर लाइन अगर है तो वो एक सर्कल का पार्ट रही होगी। कोई कहे प्रूव करो ये सर्कल है, तो मैंने क्या बोला, उसका पार्ट, अगर मैं सिर्फ इसमें से इतना पार्ट हटा लू बाकी सब हटा लू तो ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा कुछ ऐसा, या एक कर्व का पार्ट रहा होगा, हो सकता है ये कई सारे सर्कल, यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है ये सर्कल का हो, किसी एक सर्कल का हो, ये किसी दूसरे सर्कल का हो, उसके बाद वाला पार्ट वो किसी और सर्कल का हो। मैंने बोला कोई भी एक कर्व ला जो कि यूनिफॉर्म हो, कैसी हो? यूनिफॉर्म, यानी बराबर बराबर बोल रही हो, तो वो एक ही सर्कल का होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म कर्व है तो इसका मतलब उसके छोटे 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 पार्ट वो किसके होंगे? अलग 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 सर्कल्स के होंगे। समझ में आया? यस स्फीयर की होंगे। तो अभी ये किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। अब इस पे करते हैं कोटिंग। अब जब कोटिंग करने की बात आएगी तो क्वेश्चन सबसे पहले मन में आ जाओ, सर कहां करूं, इधर करूं उधर करूं? बैक साइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक। अब सब बच्चों की बुद्धि ऐसी चली और सबने यहां कर दिया, ठीक है। कोई एक और बच्चा भी था समझदार हमारे में, ऐसे उन्होंने शेप भी काटी बट उसने कोटिंग यहां कर दी। टीचर कहेगी शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही, ये भी एक टाइप ऑफ मिरर होता है, ये भी एक टाइप ऑफ मिरर होता है। यस सर।
दोनों अलग अलग सरफेस पे अगर आप कोटिंग कर रहे हो तो उनसे मिरर बनते हैं, बट दोनों अलग टाइप के। अगर कोटिंग कुछ इस तरह ऐसा मिरर है, कोटिंग इस तरीके से हुई है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और ऐसे में अगर कोटिंग आपने अंदर की साइड कर दी, कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, अब मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछना मांगूंगा, अगर ये ऐसे होते, जरूरी है ये वाला हिस्सा हमने काटा स्फीयर का, उधर वाले हिस्से में क्या फफूंदी लग गई है? वो वाला काट लो भाई। तो उस वाले में अगर इधर की तरफ होती सर, तभी भी कॉनकेव हो गया, तब कौन सा होगा? कॉनकेव ही होगा। और अगर तो क्या सर, सर सरफेस तो अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम कैसे समझें, कैसे याद रहेगा? अब ध्यान समझिए, अगर आपका स्फीयर है सेंटर की साइड होगा, अगर ये स्फीयर था सेंटर की साइड होगा, राइट या लेफ्ट? राइट। कोई डाउट है किसी को? इधर मुड़ रहा है तो ये सर्कल कुछ ऐसा बना होगा ना, yes, तो सेंटर तो इधर ही होगा आपका। इस भाई साहब का सर, इस भाई साहब का, और इस भाई साहब का, तो सेंटर बना लेते फिलहाल समझने के लिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी भी कुछ रिलेशन मिल पा रहा है इन दोनों में और इन दोनों में? क्या मिल पा रहा है? नहीं नहीं, हाफ पार्ट तो मतलब कैसे याद करें कि कौन सी सरफेस पे हम पॉलिश करें तो कॉनकेव होगा, कौन सी सरफेस पे पॉलिश करें तो? एक बच्चा अंदर वाले पे करें तो कॉन्वेक्स, बाहर वाले पे करें तो कॉनकेव। अंदर बाहर कैसे पता चलने वाला है? सेंटर से। तो अगर अंदर वाले सरफेस पे हुआ है तो दैट इज कॉनकेव, है ना, अंदर वाला हुआ है। और अगर बाहर वाले सरफेस पे हो रहा है तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये हमारी देशी भाषा में इसकी डेफिनेशन हो गई, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले चीज ये समझ में आई है नहीं? स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर व्हिच इज नॉट स्ट्रेट, व्हिच इज नॉट अ प्लेन मिरर। ठीक है, व्हिच हैव सम कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर, कर्वेचर उसका कर्व्ड हो, इसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो कर्वेचर कैसा हो? कर्व्ड हो तो हमसे क्या बोलते हैं? कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। कोई डाउट है? देख जाना किसी ने डेफिनेशन लिख रखी है। ये पोर्शन, ये एपरेचर भी कहेंगे अभी हम उसे, कर्व पोर्शन। हाँ, किसी ने डेफिनेशन लिखी है? पढ़ो, कोई भी एक जना पढ़ दो जिसने लिखी है। किसी ने लिखी सर, आपने वो 7 लिखने के लिए बोला था। हाँ, तो बेटा वही पढ़ने को भी बोला है। हाँ, नहीं, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है, पढ़ो वो। अ स्फेरिकल मिरर इज द सिल्वर्ड सर्कल पीस ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर। जब मैंने स्फीयर की बात करी तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, वो भरा हुआ नहीं है, सॉलिड नहीं है, इट्स ओके, होलो करा था। yes, और उसका ये मिरर कभी ना कभी पार्ट रहे होंगे, ये भी क्लियर कर दिया था। yes, तो स्फीयर का मिरर वो होते हैं जो होलो होते हैं, जो कर्व्ड होते हैं, स्फीयर के पार्ट रहे होते हैं और एक साइड पॉलिश्ड होती है, क्योंकि ये भी स्फीयर का मिरर है और ये भी स्फीयर का मिरर है। कौन सा स्फीयर का मिरर है ये हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते नहीं ये वाला स्फीयर का मिरर, ये वाला स्फीयर का मिरर नहीं है, दोनों है। क्लियर है? तो स्फीयर का मिरर कितने पार्ट के, कितने टाइप के होते हैं? टू। कॉनकेव और ये डायग्राम है, इन्हें नोट कर लेना। ओके, अब इन डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, हम जो बेसिकली या मेजॉरिटी में हम जो सीखेंगे वो इसमें वो है कॉनकेव मिरर के बारे में। क्लास 9th में जो मेजॉरिटी हम सीखने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर के बारे में, और कॉन्वेक्स मिरर ऑब्वियसली ये भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं सीखेंगे, बट जो डायग्राम्स बनेंगे, मेजॉरिटी ऑफ डायग्राम जो बनी जाएगी वो कॉनकेव मिरर की बनी जाएगी, वो कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स की सिर्फ एक ही डायग्राम है तो इसे हम थोड़ा कम सीखते हैं। क्लियर है? इतना समझ में? तो उनमें जानने से पहले हम इनके कुछ कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी, मैंने तुम्हें बोली थी लिखने को, लिखी है? ओके, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? पढ़ो, रीड करो। हाँ, पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब अगर ये पोल है, मतलब अगर ये स्फेयर है, तो इसका बिल्कुल बीच का पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पोल। इसमें यहाँ पे कहीं होगा, इसमें ये रहा, इसमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब बच्चों में होता है ना, मुझे ज्यादा मिली इसे कम मिली, है ना? नहीं, तो मिरर को ऐसी जगह से तोड़ो कि दो मिरर कैसे टूटे, टू इक्वल हाफ में टूटे।
तो वो जो पॉइंट जहां से आपने तोड़ा है उस मिरर को, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? होल। क्लियर है? होल कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट जहां से ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब जो उसका मिरर का क्या हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज होल। क्या बोलेंगे? होल। क्या होगी डेफिनेशन उसकी? बोलो। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड होल। कोई डाउट है किसी को? मैं पूछूंगा डेफिनेशन, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई साहब। मैंने गुड, चलो अगला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कई बच्चों से यहां पे कंफ्यूजन होती है, ये पोल किसकी प्रॉपर्टी है? मिरर, खुद की। मिरर किसी स्फीयर का पार्ट था, है नहीं? हा, उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। yes, समझ में आई क्या बोला मैंने? yes, ये मिरर कभी ना कभी किसी स्फीयर से मिल कटके बना होगा। yes, उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। yes, वही इसका सेंटर कहलाएगा। okay, समझ में आई बात? yes, नहीं है? yes, अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे दादा दादी नहीं है तो क्या थे ही नहीं? थे, ठीक है। तो ये तो नहीं कहूँ कभी थे ही नहीं दादा दादी, आसमान से टपके थे माँ बाप मेरे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे ही अभी कहो सही है तो स्फीयर है ही नहीं, तो सेंटर कहां से आया इसका? अबे तो मैंने कब बोला ये स्फीयर है भाई? ये स्फीयर का पार्ट था, है नहीं अभी, है कहां? है मतलब तू तो ये कह रहा मांग रहा मेरे दादाजी मेरे घर में घूम रहे गए, मत कह डर जाऊंगा। सो ये कभी किसी का पार्ट था, उस स्फीयर का पार्ट था, तो था तो भाई वो जो प्रॉपर्टी थी वो है वहां पे थी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी दादा दादी का बोला तो वो थे, उनकी हायरार्की तो आ रही है। yes, उनसे पापा, फिर पापा से मैं, तो वैसे ही ये किसी स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का एक सेंटर था, तो वो ही इसका भी सेंटर कहलाएगा। जैसे होता है ना कुश्तैनी घर, ये मेरे दादा का था, ये मेरे पापा का है, उनके बाद मेरा होगा, काइंड ऑफ थिंग। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट था उसका कोई सेंटर था, वो इसका भी सेंटर होगा। क्लियर है? तो अभी मैं डेफिनेशन पढ़ लें, पढ़ो जरा डेफिनेशन। It is the center of that imaginary sphere of which this spherical mirror is a part. यही बोला ना? Yes, imaginary spherical mirror, क्योंकि actual में तो mirror spherical है ही नहीं, glass कहीं। वो imagination में, तो मतलब किसी का कभी ये part जब था, अगर उसे बना लो तो उसका जो सेंटर होगा वही स्फीयर का भी, इस मिरर का भी सेंटर है। कोई डाउट है? दोनों के सेंटर मैंने आपको बता दिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव के कहां कहां होंगे? अगला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली यार, जब सेंटर है स्फीयर है तो रेडियस भी होगा, तो इसमें तो कोई सोच की बात नहीं सर, ऐसा कैसे? और ध्यान से सुनो, रेडियस में क्या होता है? रेडियस इज डिस्टेंस, ध्यान है, रेडियस इज डिस्टेंस। तो किसके किसके बीच में? मिरर का सेंटर से कोई भी कर्वेचर का कोई भी पॉइंट है ना। yes, सर्कमफ्रेंस, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो ये सेंटर है। yes, तो सर यही रेडियस है बस अकेला, बाकी ये क्या है? ये कद्दूकस है। अरे भाई कर्व, कोई भी कर्वेचर में या कोई भी सर्कमफ्रेंस में पॉइंट पकड़ो, उसको जोड़ दो सेंटर से, वो रेडियस कहलाता है। तो भैया ये जो कर्व है, ये जो एपरेचर है, कर्वेचर है, ये उस स्फीयर का कर्वेचर है या नहीं है? उस स्फीयर का ही पार्ट है, यानी इसका कोई भी पॉइंट सेंटर से जोड़ दो तो रेडियस होगा। इस स्फीयर पे ही है पोल, इस स्फीयर पे ही है ना पोल, क्योंकि वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो उसी को होगा। तो अगर मैं इन दोनों भाई साहब को जोड़ दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, तो और क्या होगा बताओ? यही होगा, यही होगा, नहीं होगा? अब बाकियों में खुद बना लेना अपने आप, समझ में? अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ और रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे बच्चे होते हैं रायता फैला देते हैं। ये क्या बोला मैंने? डिस्टेंस, रेडियस, डिस्टेंस। और प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट्स अ लाइन। और लाइन का कोई एंड होता है? No. बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, और बढ़ाने हुआ तो दीवार गंदी हो जाएगी, ठीक है, बस इसलिए नहीं बढ़ा रहा। उधर भी बढ़ा लो जितना बढ़ाना, ठीक है, बोर्ड जहां तक है।
कॉपी तुम्हारी ज्यादा होगी बढ़ा लेना. तो इट्स अ लाइन विच पासिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो अब आप बाउंड हो गए, समझ में आ रहा है, अब आप बाउंड हो गए क्योंकि मैंने आपको बोला ये एक ही लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को पास करे. देखो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कहीं से भी लिखा बढ़ेगा. दो पॉइंट है तो सर एक सिर्फ एक लाइन पास होगी. अब मैंने क्या डेफिनेशन बोला है, अ लाइन विच पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो कितनी लाइन पास करेगी भाई, सिर्फ एक. और रेडियस क्या एक ही था, यहां से यहां का बना दो रेडियस, ये भी रेडियस ही है, तो रेडियस तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई. बट क्योंकि कर्वेचर में और कोई पॉइंट नहीं पता हमें, तो हमने क्या बोला भाई इसका ही पता, इसी से बोल दे. इमेजिन करो मेरे पास एक बच्चा है, ठीक है, पूरी क्लास में एक ही बच्चा है, मोल्टा किसे होना दुर्भाग्यवश उसे बनाना पड़ेगा, लेकिन माइंड किसे करेगा, अरे कुछ मेरा काम करने के लिए बताने के लिए भाई इसने परफॉर्मेंस है ये है वो दुनिया के साथ, तो उसके लिए सिर्फ उसे बनाना पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते. अब चलो ये छोड़ो, एक बच्चा है टॉप कौन मारेगा, चाहे वो 17% लाए सब. अब आया समझ में एग्जांपल. सो अब यहाँ पे पोल है तो हमने पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस निकाले, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ में. अब यहाँ पे कोई और पॉइंट होता तो ऑब्वियसली वो भी रेडियस ऑफ होता, बट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऐसी चॉइस है आपके पास, कैसे भी जोड़ दो सर, नहीं भाई इन दोनों से ही पास होनी है क्योंकि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन सिर्फ एक ही होती है. डाउट क्लियर हुआ, सीधे समझ में. अगला पॉइंट जल्दी, एपरेचर. एपरेचर अब ध्यान दो ना, एपरेचर क्या होता है, एपरेचर वो पोर्शन होता है जो रिफ्लेक्ट करे. अब इस चीज को समझाऊंगा, मुझे नहीं पता आधे टीचर्स किस तरीके से लेके जाते हैं, बट मेरा इस मानना ये है कि मान लो मिरर यहां तक है, मान लो ये मिरर, ठीक है, ये दिख रहा है वीडियो में, ठीक है. अब ये है, अब इसमें मैंने सिर्फ इतने को ही पॉलिश करा है, तो ये सारा एपरेचर में काउंट नहीं होगा जिसको पॉलिश नहीं करा, समझ में. वो पार्ट जो रिफ्लेक्ट करे वो एपरेचर कहलाएगा. जो पोर्च जो जो पार्ट रिफ्लेक्ट, मान लो एक मिरर था, एपरेचर तो उसमें भी हो सकता है नॉर्मल फ्रेम में, पूरा मिरर था, ग्लास था, ये पूरी खिड़की देख रहे हो, ये ग्लास है. अब इसमें मैंने आधे को पॉलिश कर दिया तो एपरेचर क्या होगा, पॉलिश कर, समझ में. अभी वो डेफिनेशन पढ़ो बुक में. The surface of the mirror that is exposed to the incident light. It is that exposed to the incident light. कब बनेगी? जब वो जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी. अगर वो जाके वो निकल गई तो क्या रिफ्लेक्शन बोलोगे भाई आप, समझ में. वो लाइट है, वो जा रही है, जा रही है, जाने दो उसे, क्या दिक्कत है, क्लियर है, टकरा है, वो जाके. आप पढ़ो डेफिनेशन, आपने लिखी है सरफेस विच एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द लाइट. वो सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, जो बाकी सरफेस रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा लाइट को, वो तो लाइट को पास ऑन होने देगा ना, तो वो एपरेचर क्यों कहलाएगा वो पोर्शन, समझ में आया. जो पोर्शन आपका एक्सपोज कर रहा है यानी लाइट को पढ़ने दे रहा है और उससे रिफ्लेक्ट करके इमेज को बना के दे रहा है, उसी मिरर को हम क्या बोलेंगे, एपरेचर. उसी पार्ट को हम एपरेचर बोलेंगे. कोई डाउट है, सारी डेफिनेशन हो गई है, बची है कुछ और, दो और बची है, बताओ. फोकस. फोकस की डेफिनेशन को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना, बाद में भी हम इसे समझेंगे, ठीक है. अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया पहले, ठीक है, इसे नोट कर लो पहले, ठीक है, नोट करो पहले, रोक ले पहले. ओके देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, किसी का जिसका पार्ट रहा हूं, ये पोल है, तो ये हमने कौन सा मिरर बनाया है बताओ. गुड. तो क्योंकि हमें कुछ रूल्स भी सीखने हैं डायग्राम बनाने के, तो इसमें एक रूल अभी खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देगा कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू अ पॉइंट, या If there are two rays, if there are two rays, ये principal axis है, इसके ये दोनों ray कैसे आ रही है, parallel. So after reflection they meet on a point which is known as focus. समझ में आया नहीं है? तो इसमें रूल आपको एक अपने आप इंट्रोड्यूस हो गया, क्या रूल है कि when a light ray coming parallel to principal axis,
किसके केस में? कॉनकेव. कौन से में है ये? कॉनकेव. कॉनकेव मिरर में एक रूल आपको अब याद रखना है कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस. बट क्योंकि अभी तक हमें फोकस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो हम फोकस की डेफिनेशन दे रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे फोकस की डेफिनेशन में? कि हाँ मीट एट पॉइंट. व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट पॉइंट. और उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस. समझ में? जब ये रूल की बात करोगे तो आप रूल क्या बोलोगे? लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस. रूल्स आ गए हैं क्योंकि, बट रूल के बिना ये सीखना मुश्किल है, समझ ही नहीं आएगा. तो अभी बिना रूल के आपको क्या याद रखना है कि मैंने लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट होगा और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फोकस. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट ऑन अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस. इसके लिए कौन सी है मिरर? किसके लिए? अब ध्यान से सुन लो, ये था मिरर आपका, ये कौन सा मिरर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये पोल है. ठीक है, अब लाइट रे ऐसे आ रही थी और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहां जा रही है? तो जहां को वो जा रही थी ना, एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ फोकस. थोड़ा मुश्किल है वो समझना, है ना, थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है कि लाइट रे जो जा रही थी वो कहां को जा रही थी? अगर ये मिरर नहीं होता फोकस को मिलता, बट रिफ्लेक्शन की वजह से वो कैसी हो गई? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. इट अपीयर्स दैट लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस बट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. उसमें क्या था उस वाले पॉइंट? उसमें था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आ रही थी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट टू फोकस. ठीक है, या इसमें एक काम करो, इस वाले को याद रखो कि लाइट रे, इसमें भी ये रखो, ये वाला याद रखो, है ना. इफ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस. अब सही है, पहले में क्या था? पहला रूल, ये रियल का केस है. तो इसमें क्या होता है? व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस, इट मीट एट फोकस. बट इसमें क्या हो रहा है? व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स. अगर कोई बंदा यहां पे हो तो उसको क्या लगेगा? ये लाइट तो फोकस से आ रही है. भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉल वाला, कि अगर दीवार में बॉल कोई मार के मेरे पास आया और दीवार हट जाए तो मुझे क्या लगेगा? कि वो कहीं दीवार के पीछे से कहीं से आई है. ऐसी ये लाइट मुझे कहां लगेगा? मिरर हटा दूं तो ये पॉइंट से आई है और ये पॉइंट कौन है? समझ में आया या नहीं है? कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस. इट अपीयर, इट नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम फोकस, वो तो मिरर ने करा. तो इट अपीयर, तो कॉन्वेक्स के केस में इट अपीयर वाला वर्ड बहुत यूज होने वाला है. समझ में आया? तो पहला वाला रूल उसमें क्या है? व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, सिंपल रूल. इसमें क्या हो रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस. इसमें रूल क्या है? व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस. सही है? तो इसके रूल्स थोड़े से हल्के रखना, क्योंकि एक ही डायग्राम में यूज होना है. इसके तो 6-7 डायग्राम है, उसमें यूज होना है. तो इसके रूल्स याद होने चाहिए और ये याद भी हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल वाले केस होते हैं वो समझ में आते हैं. अपीयर अपीयर वाले केस तो ऐसा लगता है ये तो हो रहे होंगे, कभी देखने को देखा नहीं. इस वाले केस को आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना. ये वाला जो शेप है ये कौन? ये आप डेली देखते हो? डेली तो नहीं, 2 दिन में, चलो एक बार तो देख लेते हो. सोचो कहां पे? सर स्पून. स्पून, स्पून का शेप ऐसा होता है, चम्मच. चम्मच का जो आगे वाला शेप है खूब मेहनत से मानना और फिर ऐसे देखना, तो उसमें आपको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखती है. इसका मतलब पीछे की तरफ पॉलिश है, यही है ना. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, कर्व, कॉनकेव मिरर नहीं है वो. और उसी स्पून को उल्टा कर दो तो ऐसा दिखेगा, पॉलिश सरफेस ऐसे हो जाएगी. तो वही क्या बन गया? कॉनकेव. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के डायग्राम तो तुम आप अपने चम्मच से करना, बट कंडीशन यही है चम्मच थोड़ा नया हो. ठीक है,
बाबा आदम के जमाने का चम्मच के साथ करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, भूल जाना, कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये डायग्राम समझ में आया फोकस में? Yes, अब फोकस मिल गया, सबसे मुश्किल होता है फोकस समझना कि फोकस क्या है। अगर आपको फोकस मिल गया तो पोल से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ, फोकस लेंथ, ठीक है। इस वाले केस में देखो, हमेशा याद रखो, लाइट पहले लाई रिफ्लेक्ट होके गई, आपने रिफ्लेक्ट वाली लाइट को क्या करा? रीट्रेस। वर्ड मैंने बताया रीट्रेस कि ये राइट कहां से आई, जरा देखो तो जहां पे ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस में कट करेगी उसको हम फोकस बोल रहे हैं। मैं बार बार इसको इसलिए बोलो क्योंकि बच्चे इसको तो याद रखते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। नहीं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही डायग्राम है बट ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल जब तुम्हें पता चलेगा काफी अपने आप समझ में आ जाएगा कहां इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी गाड़ियों में यही लगता है, वहां पर जब भी लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट मोर क्लोजर देन इट अपीयर्स, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे इतना बड़ा डायफ्राम होता है जिसको आपको कवर करना होता है और मिरर इतना सा, तो उसके लिए हम जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, जिससे वो इतने बड़ी जगह को, गाड़ी के पीछे काफी बड़ी जगह है भाई, हमें थोड़ी पता है, अगर प्लेन मिरर लगाएंगे तो बस जितना है थोड़ा सा दिखेगा, बट वो लगाते हैं जिसकी वजह से वो काफी बड़े एरिया को क्या करता है, कवर करता है। मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ, सोचो ये है, हमने कल जैसे एग्जाम्पल करा था, ठीक है। तो अगर ये ऐसे कॉर्नर से गई तो ये इतने को कर रही है और ये ऐसे इतने को कर रही है, तो आपका मतलब अगर मैं पीछे की बात करूं तो इतना बड़ा डायग्राम आपका कवर हो रहा होगा, है ना। अब इसी की जगह अगर आप यहां कर्व लगा दो ऐसा, ठीक है, इतना ही बड़ा कर्व लगा दो बस, ठीक है, तो उस केस में ये वाला जो डायग्राम आपके होते हैं ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। तो उस वजह से वो कितने जो नॉर्मल एरिया उससे थोड़ा ज्यादा एरिया को कवर करता है, ये है रीजन, ठीक है। जो बाइक में यूज होता है वो ये होता है, लाइट में, बाइक में जो लाइट में होता है वहां आपको क्या करते हैं, बल्ब यहां लगाते हैं और यहां ये मिरर होता है ऐसा बाइक के अंदर, जब बल्ब जलता है तो फोकस से लाइट जाती है और ये सारी कैसी हो जाती है, पैरेलल इस तरीके से निकलती है। जब तो बीम पड़ती है लाइट की स्कूटी या बाइक से, ये थोड़ी बाइक में बल्ब जला रहे हैं चारों तरफ रोशनी दे रहा है रात की तरह। समझ में आया नहीं है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो पहली चीज मुझे बताओ सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? तो अगर मैं आपसे फोकस पूछता हूँ फोकस क्या है आपको पता होना चाहिए, आपसे मैं अगर रेडियस पूछ रहा हूँ रेडियस क्या है आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूँ फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ पता होना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब जो आपकी बुक में नहीं है वो मैं आपको ले चलता हूँ, फोकल लेंथ है ना लास्ट। अब आपकी बुक में एक चीज नहीं है विच इज नोन एज फोकल प्लेन, क्या नहीं है? फोकल प्लेन, वो शायद मेरे ख्याल आपकी बुक में मिसिंग है, जो भी है फोकल प्लेन आपकी बुक में नहीं है। अब वो क्या होता है सुन लो ध्यान से, लाइन ट्रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो मिल रही है फोकस पे, यही के लिखा है ना, लाइन ट्रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाला केस नहीं ले रहा मैं इसमें, ठीक है, मैं ऊपर वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना सर कॉन्वेक्स के केस में नहीं होता, भैया होता है उसमें भी होता है, ठीक है, बट अभी कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी आपकी ये लाइट है, अब आपके मन में आ सकता सर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। आपने बोला लाइन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइन आपस में पैरेलल आ रही हो तो लाइन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट वो अगर आप मीट एट फोकस, बट वो अगर आपस में पैरेलल आ रही हो तो कहां मिलेंगी? मिलेंगी। अब ध्यान से सुनना है चीज को, देखो कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी तरह नहीं समझाने की। अब इमेजिन करो इसे रखो एक मिनट, ये मिरर है, ठीक है, और इसे थोड़ा सा उठाओ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइन आ रही है उसके बीच में कहीं फोकस होगा। यस सर। इतने मान रहे सारी पैरेलल लाइन, एक मिनट पकड़ना है, पकड़ लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन ऐसे पैरेलल लाइन दे मीट एट वन पॉइंट, ये इनके बीच का पॉइंट है विच इज नोन एज फोकस। इतनी बात सबको क्लियर हो? जब लाइन कैसे आई ऐसी पैरेलल, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, तो लाइन को सबको ऐसे पैरेलल आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? इमेजिन करो एक रुई, एक ऊन का धागा ऐसा आया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, मिला
दूसरा ऐसे आया पैरेलल, वो यहां मिला। तो इमेजिन के बारे मतलब सोचो कई सारी लाइन आ रही है, मतलब 10-12 ऊन के धागे सीधे आए टकराए और एक पॉइंट में मिल गए। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ध्यान से सुनना, ये था मिरर, ठीक है, जब लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना के वो अगर ऐसे आ रही होती तो मतलब जो बीम ऑफ लाइट है वो ऐसे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ऊपर रख दी, अब तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है, तो ये तो ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होंगी, ये अभी भी एक ही पॉइंट में मिलेंगी बट फोकस पे नहीं मिलेंगी, फोकस के नीचे या ऊपर मिलेंगी, राइट या लेफ्ट में मिलेंगी। उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, उस प्लेन को क्या बोलते हैं फोकल प्लेन। मतलब मान लो फोकस यहां था तो फोकस पे एक एक्स वाई प्लेन मान, क्या मानो एक्स वाई प्लेन, ऑब्वियसली इट्स अ प्लेन, इट्स नॉट अ फिगर, इट्स अ प्लेन, तो दो डायमेंशन में होगा ये, ठीक है। अब रे जब पैरेलल आ रही थी रिफ्लेक्ट हो रही थी एक पॉइंट मिल रही थी यहीं पे सेंटर पे, ठीक है, यहीं मिल रही थी, बट जब ये रे ऊपर से आ रही है तो ये नीचे नहीं मिलेंगी। इमेजिन कर पा रहे फोकस अभी भी यही है, फोकस ये है, समझ में आ रहा है, ये है फोकस, तो फोकस अभी भी यही है, पहला लाई तो फोकस मिली बट जब ऊपर से आई तो फोकस के नीचे मिली, ऊपर से ऐसे आई नीचे टकराई नीचे, राइट से आई है तो टकराई थोड़ी इधर की तरफ, इधर से आई तो राइट, समझ में आ रहा है, नीचे से आ रही है तो ऊपर, तो फोकस पे प्लेन इमेजिन करो तो वहां पे सारी लाइट मिलेगी अगर वो आपस में पैरेलल आ रही है तो, अगर वो आपस में पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे नहीं मिलेगी। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो देखो फोकस में मिलेगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल है तो वो फोकस पे मिलेगी, बट अगर वो आपस में पैरेलल आ रही तो एक पॉइंट पे मिलेगी जो कि फोकल प्लेन पे होगा। फोकस पे एक प्लेन इमेजिन करो उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। अब ध्यान से रखना फोकल प्लेन पे जो प्लेन है ना वो टेढ़ा नहीं है ऐसे, समझ में आ रहा है, वो सीधा है। फोकस पे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचो, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचो, सही है, परपेंडिकुलर ऊपर परपेंडिकुलर लाइन राइट में, तो उससे जो प्लेन बना चारों तरफ से एक रेक्टेंगल बना लो फोकस प्लेन पे। अब रेक्टेंगल टेढ़ा ऐसे मत बनाना, ऐसे मत बनाना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा 90 डिग्री पर आएगा, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। समझ में आई बात नहीं? यस सर, क्लियर है। सो अब लिख लो एक डेफिनेशन फटाफट नीचे, व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, when a light ray coming parallel to each other it meet at point it parallel to each other parallel to each other it meet at point on focal plane it meet at point ऑन फोकल प्लेन। लिख लिया? Yes, sir. नीचे लिखो, एक लाइन में छोड़ना बस, इसके नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में छोड़ना मत, कोई लाइन लिखो, द परपेंडिकुलर प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस, द परपेंडिकुलर प्लेन, द परपेंडिकुलर प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन, फ्रॉम फोकस is known as focal plane, is known as focal plane. लिख लिया? Yes, sir. एक perpendicular, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये perpendicular होना चाहिए 90 degree इस तरीके से, मगर वो mirror, सुनो अब ध्यान देना, mirror के साथ होना चाहिए, mirror अगर ऐसा है तो ये ऐसा, अगर mirror ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, जैसा मतलब mirror का surface है उसके हिसाब से इसे change करो, अगर mirror का surface ऐसा है तो ये ऐसा, mirror ऐसा है तो ये ऐसा, मिरर ऐसा है तो ये ऐसा, मिरर ऐसा है तो ये ऐसा, समझ में आया, मिरर के हिसाब से मतलब मिरर के साथ ये पैरेलल हो, मिरर अगर ऐसा था इमेजिन करो करना स्ट्रेट मिरर तो ये उसके साथ पैरेलल हो, ऐसे करा तो ऐसे, ऐसे करा तो ऐसे, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग फ्रॉम फोकस विच इज नोन एज फोकल प्लेन। कोई डाउट है किसी को इसमें? गुड, कल से हम लोग रूल सीखेंगे, ठीक है,
डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक रूल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल इज पास थ्रू फोकस। इसी का दूसरा रूल क्या होता है, पास थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो तीन रूल हैं जो हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। रूल्स के बाद ही आप डायग्राम बना पाएंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, पहले दिन हम लोग क्या करेंगे कि डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, जिससे मैं आपको कल कोई भी पॉइंट बोलूं रैंडमली, कोई भी पॉइंट, फोकल फोकल प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ऐसा ना, ये नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं, तो ऐसा वाला नहीं होती। कल जाओ इसको अच्छे से याद करो, जितना बेहतर तरीके से याद होगा उतना मेरे लिए ईजी होगा। कल हम रूल पढ़ेंगे एंड द रूल के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट।